आज हम बात करने वाले हैं स्टार प्लस की फेवरेट कहानी शादी मुबारक की, क्योंकि कहानी के अंदर काफ़ी सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। जहां आपको बता दें कि कैसे प्रीति और केटी एक रूम के अंदर बंद हो जाते हैं और केटी प्रीति से कुछ बहकी बहकी सी बातें करता है, और केटी ये सब कुछ करता है कुसुम के लिए, क्योंकि कुसुम ने केटी को पहले ही फ़ोन करके कह दिया था कि आपको मेरे लिए एक वीडियो बनानी होगी, डायलॉग वीडियो, जो कि आपकी पुरानी फिल्म की है। अब जिसके बाद केटी ऐसा लगता है कि प्रीति को कि वो उसके लिए ही वो शब्द बोल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं केटी आखिर में सब कुछ सच बता देता है। जब आपको बता दे कि कुसुम का प्रीति के फ़ोन पर वीडियो कॉल आता है, और वीडियो कॉल के दौरान कहीं ना कहीं कुसुम ये सच बता देती है कि केटी ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हैं। अब आपको कहानी के अंदर और भी कई सारे ट्विस्ट और टर्न्स देखने को मिलने वाले हैं, जिसके बाद आपको बता दें कि कहानी का एक नया अंदाज और एक नया रूप आप सभी को देखने को मिलेगा, जिसमें केटी और प्रीति दोनों एक दूसरे के बिजनेस पार्टनर जरूर बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक बार फिर प्रीति पर चोरी का आरोप लगेगा, और इस बार ये चोरी का आरोप कितना बड़ा होगा ये देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि केटी ने प्रीति को कार्ड तो दे दिया है, लेकिन प्रीति जब उस कार्ड को एटीएम में डालती है तो वो 10,000 रुपये निकालने के लिए डालती है, लेकिन निकल आते हैं 1,00,000, और जिसके बाद पूरे परिवार को केटी के इस बारे में पता चल जाता है। और अब देखना होगा कि क्या केटी प्रीति के बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार रखेगा या फिर नहीं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स को जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।